ओडीआई वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। 8 टीमें तो पहले से ही तय थीं। सस्पेंस था तो सिर्फ 2 टीमों का। जब वर्ल्ड कप क्वालिफायर शुरू हुए तो ऐसा लग रहा था श्रीलंका और वेस्टइंडीज बाकी टीमों की जगह लेंगी, लेकिन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के नतीजों ने सभी को चौंका दिया। श्रीलंका की टीम ने आसानी से क्वालिफाई कर लिया, सभी को निराश किया 2 टाइम की वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज ने। क्वालिफिकेशन तो दूर की बात है, वेस्टइंडीज की टीम तो इस वर्ल्ड कप में 50 ओवर भी नहीं खेल पा रही थी। जहां एक तरफ वेस्टइंडीज का लचर प्रदर्शन तो दूसरी तरफ एसोसिएट टीम्स गजब का खेल दिखा रही हैं। इनमें सबसे पहले नाम आता है स्कॉटलैंड और नेदरलैंड्स का। नेदरलैंड्स की टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 374 रन के स्कोर की बराबरी की और सुपर ओवर में उन्हें हरा दिया। तो स्कॉटलैंड की टीम ने वेस्टइंडीज को 181 पर ऑल आउट किया और टारगेट को आसानी से चेस कर लिया। और उसके बाद मेजबान जिम्बाब्वे को 31 रन से हराकर ये दिखाया कि उनके पास अंतरराष्ट्रीय स्तर की गेंदबाजी भी है और वो बड़े मैचेस जीतना भी जानती है। अब तक इस टूर्नामेंट में जबरदस्त खेल दिखा चुकी ये दोनों टीमें अब आमने सामने होंगी और दोनों में से एक टीम को मिलेगा वर्ल्ड कप की टिकट। हालांकि पॉइंट टेबल में अभी स्कॉटलैंड की टीम आगे है, उनका नेट रन रेट भी नेदरलैंड से बेहतर है। अगर डच टीम स्कॉटलैंड को बड़े अंतर से हराती है तो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्कॉटलैंड की टीम हार कर भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। नतीजा जो भी हो, आज वर्ल्ड कप की 10वीं टीम मिल जाएगी। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।